तो स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज मैं आपको मोबाइल की तीन ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, लाइफ हैकिंग ट्रिक्स बताऊँगा, जिसको जानने के बाद आपकी काफ़ी टाइम तो बचेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहे, इसमें मैं आपको तीन ट्रिक्स बताऊँगा। ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा हो गया तो आप उसको क्लिक ही नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं और जान भी नहीं पाएंगे। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए प्रो प्लेयर बनाना चाहता हूँ मोबाइल के ऊपर। इस बार मुझे बहुमत से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी और मेरी भी। डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा, मोबाइल के ऊपर प्रो प्लेयर हो जाओगे। जैसे नेता लोग बोलते हैं, मुझे बहुमत से वोट देकर जीता दीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा कर देंगे तैसा कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं करते। लेकिन मुझे आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जिता दीजिए, मतलब मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल करवा दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। मेरा सपोर्ट कीजिए और उसके बाद आप गर्व से कह सकोगे, मैं आकाश पोला की वीडियो देखता हूँ और डेली कुछ नया जानने को मिलता है और भी मैं सब्सक्राइब लाइक शेयर करके उसको जिताया हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो, कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो अनसब्सक्राइब कर देना, ये तो आपके हाथ में ही सब कुछ है। हेलो गाइज, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आकाश पोलाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप क्या करते हैं? पहले आप उस पेमेंट ऐप्स को खोलते हैं, उसके बाद स्कैनर ढूंढ के स्कैन करते हैं या फ़ोन नंबर पे भेजते हैं। लेकिन इतना सब करने में बहुत टाइम जाता है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, उस पेमेंट ऐप्स को टैप करके होल्ड करके रखने से आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करके आपके मोबाइल के होम स्क्रीन में ले जाके रख दीजिए। अब आपको उस पेमेंट ऐप्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्कैन एंड पे के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट स्कैन करके मनी सेंड कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आप होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, सब कुछ। इसके अलावा भी आप मोबाइल क्लीनअप के ऊपर टैप करके डायरेक्ट क्लीनर का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एक बार क्लिक करने पर मोबाइल क्लीन हो जाएगा। और भी आप कॉल के ऊपर क्लिक करके जिस भी पर्सन के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं उसको भी आप ऐसे ही होम स्क्रीन में ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। और जिस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज करते हैं उसको आप ऐसे ही ऑप्शन बनाकर होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं, आपकी काफ़ी टाइम बचेगा। आप अगर किसी को फोटो वीडियो या कुछ भी शेयर करते हैं, शेयर के आइकन को क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन को ढूंढते हैं जिसमें आप उस फाइल को भेजना चाहते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम जाता है, अगर आप जल्दी जल्दी में है तो बहुत इरीटेड लगता है, रॉन्ग एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में आप जिस एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हैं उसके ऊपर टैप करके होल्ड करके रखने से आपको पिन का एक ऑप्शन दिखेगा, पिन के ऊपर क्लिक करने से वो एप्लीकेशन सामने आ जाएगा। जिस एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हैं ऐसे ही पिन करके सामने ला सकते हैं। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। क्या आप बर्थडे या एनिवर्सरी विश करना भूल जाते हैं? क्या आपको अपने फ्रेंड या रिलेटिव का बर्थडे या एनिवर्सरी याद नहीं रहता? तो ऐसे में आप होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके होल्ड करके रखने से विजेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके जाने पर कैलेंडर शेड्यूल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर सेट कर दो। जिसका भी बर्थडे या एनिवर्सरी होगा यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको याद रहेगा। लेकिन उससे पहले बर्थडे या एनिवर्सरी का डेट सेव होना चाहिए, यहाँ प्लस के आइकन को क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या जिस किसी का भी बर्थडे है उसके कॉन्टैक्ट नंबर में जाके सेव कर सकते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। अब किसी को विश करने में मिस नहीं होगा, इसको आप साइड में कहीं पर भी छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हैं। तो ये थे आपके टाइम बचाने वाले कुछ लाइफ हैकिंग ट्रिक्स, और ऐसे ही और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।